हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के लेआउट टैब के पार्ट टू को समझने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए या इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट फर्स्ट को देख लेना, जिससे आपको कुछ ऑप्शन जो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कवर किए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, और पार्ट सेकेंड में हम लोग और उसके आगे के ऑप्शन को कवर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं आगे के सभी ऑप्शन को। तो अब हम एमएस वर्ड के लेआउट टैब पर आ गए हैं। पहले पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पेज इस सेटअप को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ्स और अरेंज के सभी ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे मैं आपको इसे इजीली इसको समझा पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको इक्वल लिखना होता है, RANDE लिखना होता है, फिर कोष्ठक को क्या करना होता है, बंद करना होता है, और इंटर को प्रेस करना होता है, जिससे आपके पास कुछ टेक्स्ट आ जाता है जिससे आप किसी भी चीज़ को सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेंट दिखा है और स्पेसिंग दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन है ऊपर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रूलर दिखेगा। ठीक है, ये टिक लगाया, अगर इसको अनटिक कर देंगे तो रूलर हट जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक रूलर। ठीक है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए वाली हमारी यहाँ से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला पैराग्राफ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से होगा। ठीक है, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ से इसको बुक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए यहाँ से हमारा खिसक रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको करेंगे तो ये राइट से खिसकेगा। ठीक है, अगर हम राइट से इसको बढ़ाएंगे तो ये राइट से खिसकेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये जो रूलर है, या तो आप यहाँ से कर्सर इसको पकड़ के माउस से पकड़ के खिसका सकते हैं, अगर आपको माउस से नहीं खिसकाना तो आप यहाँ से उसको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पकड़ के भी चाहते हैं तो यहाँ से भी इसको खिसका सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। तो यहाँ पर लिखा है बिफोर और आफ्टर, ये यहाँ पर क्या लिखा है, पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के ये पैराग्राफ को कवर करता है। ठीक है, तो जैसे कि ए हो गया पहले और ए हो गया बाद। ठीक है, ए वाला है पैराग्राफ, ने इसको सिलेक्ट कर लिया, और हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। तो ए हो गया बिफोर, ठीक है, ऊपर का हिस्सा हो गया बिफोर और नीचे का हो गया आफ्टर। तो इसके नीचे देखो अभी कोई स्पेस नहीं आया, इसके सारा स्पेस आया वो ऊपर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंडेंट करेंगे तो ये नीचे स्पेस देगा, यानी कि पहले पैराग्राफ से पहले, यानी कि बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर, यानी कि बिफोर पैराग्राफ यानी कि आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो ऐसे ही ये है, ये भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखा ही है ऑप्शन, देखो अभी सत्य सारे ऑप्शन जो हैं पैराग्राफ के ऑप्शन है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट हैं और ये बिफोर और आफ्टर हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर आता है पोजिशन और बार। ठीक है, तो ये अभी हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट कब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अंडू कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ से शेप्स को इंसर्ट करेंगे। कोई भी ए हम शेप ले लेते, जैसे ए शेप लिया हमने, तो यहाँ से इसको क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया हमने, इसका सेव फॉर्मेट हो गया ओपन। ठीक है, तो हमें इसको भी वो नहीं करना है, जो ऑप्शंस लेआउट में हैं वो ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यही ऑप्शन को हमें बेसिकली कवर करना है, यहाँ तो हम यहाँ से कर सकते हैं सेव फॉर्मेट से, जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वही आपके लेआउट में है। ठीक है, आप देख सकते हैं यही यहाँ पर हैं और यही यहाँ पर सेव फॉर्मेट में हैं और यही आपके लेआउट में है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपको कवर करना है। तो आप देखेंगे पोजिशन, तो यहाँ पर 9 प्रकार की पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इन लाइन विथ टेस्ट और नीचे लिखा है विथ टेस्ट बार और यहाँ पर लिखा है बार बार टेस्ट। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, ये मतलब एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई दे चुके दी हुई है, यदि एक ए पेज है हमारा, इसका ऊपर का एरिया है लेफ्ट सेंटर और राइट, ये बीच का एरिया है लेफ्ट सेंटर और राइट, और ये बॉटम का एरिया है लेफ्ट सेंटर और राइट। ठीक है, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा पेज, हम इसको क्या करते हैं अनजूम कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये पेज है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक पेज है, इसके यहाँ पर आ गया। अगर हम इसके कहीं और पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये सेंटर में, यहाँ पर अब जहाँ पर करेंगे इस पे यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको और चाहिए यहाँ पर, तो आपने इस अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आसमान में आ गया आपको, इसी के क्या बोलते हैं एडवांस वर्जन है बार। ठीक है, बार टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमें इसको पहले क्या कर लेते हैं, इस टेस्ट को पेज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पेज को बड़ा कर लिया, यहाँ पे लिखा है इन लाइन विथ टेस्ट। ठीक है, लाइन से पहले यानी कि टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे सिक्योर, ठीक है,
जो टेस्ट दे सकते हैं आप। यहाँ पर बना भी है कि टेस्ट के बीच में यहाँ पर टाइट देना है, थ्रो देना है, टॉप एंड बॉटम। जैसे टॉप पे आ गया, अगर आपको बॉटम देना है तो मतलब टॉप में ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बॉटम में टेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे थ्रो करना है जिस तरह से आप करना है, बिहाइंड करना है यानी कि टेस्ट के पीछे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, टेस्ट के ऊपर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मॉब बेस्ड टेस्ट जैसे कि आप इस क्लिक है तो आप जहाँ पे जाएंगे तो अब ये अपने एरिया को कवर करता जाएगा, ठीक है। पहले आप यहाँ पे कोई क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि हमने ए वाला ले लिया, ठीक है। अब आप इस पर आप देख सकते हैं जहाँ भी ये कवर जा रहा है तो उतने अपने क्या करो टेस्ट के एरिया को ले रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक है क्योंकि मॉब बेस्ड टेस्ट यानी कि टेस्ट के साथ ये मूव होगा, ठीक है। यहाँ पर है फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, जहाँ भी आप जाएंगे तो इसकी पोजीशन फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया पोजीशन और टेस्ट बार में किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले सकते हैं। वो और ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको लेफ्ट ओनली देना है, राइट ओनली देना है, लार्ज ओनली देना है, जो आपको देना है यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कुछ और इंसर्ट पर जाकर और शेप्स को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक इसको ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने इसी को बना दिया। और इसका मैं क्या करता हूँ कोई कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक कलर ले लिया, ठीक है। और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक और ले लेता हूँ, इंसर्ट पर जाकर एक और यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे एक तरह के ले लिया और इसको इसके ऊपर कर लिया यहाँ, ठीक है। इस तरह का बना लिया, यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ मैं इसको लाइक ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे है, ये उसके बीच में है, ये सबसे ऊपर है। जैसे मुझे नीचे वाले को सबसे ऊपर लाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लेआउट पर, और यहाँ पर लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर कर दूँगा मैं ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो एक ऊपर आएगा यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया। इसमें क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले के ऊपर आ गया, ठीक है। मैं एक बार और करूँगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, आ गया। अगर मुझे इसको सबसे ऊपर एक ही बार में लाना है, ठीक है, तो जैसे मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक ही बार में सबसे ऊपर लाना चाहिए, यहाँ पे तीन हो या चार हो, चाहे छः हो, चाहे दस हो, चाहे पंद्रह हो, चाहे बीस हो, जितने भी हो, ठीक है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर लाना है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पर गया और मैंने कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे ऊपर आ गया, चे आ गया सबसे ऊपर। ये यहाँ पर कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कितने भी नीचे हो, आप एक क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, रुको, इसको नहीं इसको करें, ठीक है। यहाँ पर है टेस्ट, इसके ऊपर टेस्ट नीचे है, इसके ऊपर है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेस्ट। ये अभी काम नहीं करेगा, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी एक ऑप्शन है सेंड टू बैक, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, सभी को एक के ऊपर एक रख दिया हमने। अब हमें इनको बैक करना है तो हम ऐसे करेंगे सेंड टू बैक, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बैक जाएगा, ठीक है ना। क्लिक कर दिया, देखो अब दूसरा जी आ गया पहले पे और दूसरे के बीच में एक पहुंच गया, ठीक है। और हम कर देंगे एक और बार करेंगे सबसे नीचे पहुंच जाएगा, और हमें इसको सबसे ऊपर एक बार लाना है तो यहाँ पर लाएंगे, एक बार और क्लिक करेंगे तो और ऊपर आ गया। हमें सबसे नीचे भेजना है तो यहाँ पर सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे नीचे पहुँच गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब जैसे हमने ए वाला है, हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट हमारा नीचे है और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, ठीक है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को हमें इसके नीचे भेजना है तो हम क्या करेंगे, सेंड बिहाइंड टेस्ट, टेस्ट के पीछे हमें इसके भेजना, क्लिक कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो नीचे पीछे पहुंच गया और जो टेस्ट था वो ऊपर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऊपर लाना है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड, उसको यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करके उसको कर दिया बिहाइंड, हमने कर दिया, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे सबसे ऊपर, यहाँ पे कर दिया फ्रंट, तो वो सबसे ऊपर आ गया। आपको समझ में आया ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड ऑप्शन एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। इसको आपको ऊपर लाने के लिए काम करते हैं और सेंड बैकवर्ड यानी कि पीछे जाने के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्ट जब कई सारी लेयर्स होती हैं तो उनके पीछे लाना है, उसके ऊपर आना है, तो आप जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आता है इस सिलेक्शन पैनल, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो आपके आप जिस पे आप क्लिक करोगे उसी वाले को सिलेक्ट कर लेगा जी यहाँ से। अब आपको क्या करना है, इन सभी को हाइड करना है, तो आप हाइड ऑल कर सकते हैं या फिर शो ऑल कर सकते हैं। सभी को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक को, इस वाले को आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से जाएंगे इस पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो वाला वहाँ से हाइड हो गया। तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। सबको हाइड कर सकते हैं और सबको शो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन का। अलाइन यानी कि आपको क्या लाइन देनी है उसकी।
तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि मैं इस सब को क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट कर लेता हूँ, एक बस रखता हूँ, जैसे ये वाला हमारा है। अब मुझे इसको क्या करना है, लेफ़्ट देना है, तो मैं लेफ्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये लेफ्ट पहुँच गया। मुझे सेंटर देना है तो सेंटर पे आ गया, राइट देना है तो राइट आ गया, टॉप देना है टॉप चला जाएगा, मिडल देना है मिडल पे आ जाएगा, हाँ ये मिडल आ गया। इसके बाद मुझे बॉटम देना है, हॉरिजॉन्टल देना है, डिस्ट्रीब्यूट देना है, अलाइन टू पेज, अलाइन टू माई, इतनी सारी चीज़ भी आपको चाहिए यहाँ से, आप उस पर क्लिक कर देंगे। वैसे जैसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये वर्टिकली है वैसे ही, ठीक है। मुझे इसको हॉरिजॉन्टली देना है तो मैं तो हॉरिजॉन्टली कर दूँगा, तो हॉरिजॉन्टली आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको किस तरह से काम करते हैं? तो आपको जो भी अलाइन देनी हो अपने ऑब्जेक्ट की, आप यहाँ से उसको दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कई सारे हैं, इनका हम क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका हमने ये कर लिया, इसका ये और इसका भी और कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हैं, वो अभी ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये सभी अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हमें इन सभी को एक करना है, एक करना है तो इनको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अलाइन अभी हम क्या करें, इस पर क्लिक किया हमने, इसके बाद आपको कंट्रोल को प्रेस करना है और सभी को एक साथ क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया इन सभी को, तो आप देख सकते हैं ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होने लगा। अब ग्रुप पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कर देंगे ग्रुप, तो अब आप देख सकते हैं ये जो सभी है हमारा एक ग्रुप हो चुका है। अब हम यहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, इन सब में अलग अलग नहीं होगा, सब में एक ही होगा, ठीक है। डिजाइन टैब में आप जैसे कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे तो इसमें सब कुछ अलग अलग होगा, साइज इनका एक करेंगे कम बड़ा छोटा बड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो इनका सब में एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि अब एक ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको ग्रुप समझ में आया, इनको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो सभी विद्यार्थियों के हो जाएंगे जैसे पहले थे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे कि हम उनको ग्रुप रहने देते हैं, जैसे ग्रुप हैं ये, अब इनको रोटेट करना है तो यहाँ से आप रोटेट कर देते हैं, 90 डिग्री करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, तो इस तरह से आप इनका यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो आज हमने पैराग्राफ के सभी ऑप्शन को समझ लिया और अरेंज के सभी ऑप्शन को समझ लिया, तो आज हमारा जो लेआउट टैब है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेफरेंस को समझेंगे, रेफरेंस मेलिंग को, और आगे हम लोग रिव्यू और व्यू को समझेंगे, ठीक है। तो आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।